छत्तीसगढ़ी भाषा में आज पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी शब्दों को फिर छत्तीसगढ़ी रूपांतरण करना है, तो थोड़ी सी उसमें, हालांकि हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी हैं, लेकिन पढ़ाने की आदत अभी हमें हिंदी में ही थी। रचना करते कब रचना करते हैं, जब वो बहुत अधिक कल्पना करते, जितना अधिक कवि कल्पना करती ओकर कविता उतना ही सुंदर बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और आरजे न्यूज़ के साथ मैं धनवीर जाहिरे। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ की तमाम संस्कृतियों को अब जगह मिलना और तवज्जो मिलना चालू हो गया। तब से 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ शासन ने ऐलान किया है कि आदिवासी भाषा में और छत्तीसगढ़ी भाषा में हफ्ते में एक दिन अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होगी। और आज जांजगीर चांपा जिला का सिवरीआड़े हाई सेकेंडरी स्कूल है, जहां पे बच्चों को आज छत्तीसगढ़ी भाषा में आज पढ़ाया जा रहा है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा एक ऐसी भाषा है, क्योंकि मातृभाषा माना जाता है छत्तीसगढ़ की, लेकिन बहुत लंबे समय से प्रयास था कि छत्तीसगढ़ी भाषा को एक पहचान मिलनी चाहिए, एक उड़ान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। जब से छत्तीसगढ़ की एक नई सरकार आई, भूपेश सरकार आई, जो छत्तीसगढ़ी स्मिता को लेकर के आगे बढ़ रही, आज बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा में आज पढ़ाया जा रहा है। आप बताएंगे मैडम कि कितना मुश्किल होता है छत्तीसगढ़ी एक एक वर्ड एक छत्तीसगढ़ी शब्द को उच्चारण करना? हाँ, हम लोगों की हमारी आदत तो हिंदी में पढ़ाने की, हिंदी माध्यम हमारा, हिंदी में पढ़ाते आए हैं। और हिंदी शब्दों को फिर छत्तीसगढ़ी रूपांतरण करना है, तो थोड़ी सी उसमें, हालांकि हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी हैं, लेकिन पढ़ाने की आदत अभी हमें हिंदी में ही थी, हिंदी माध्यम से ही पढ़ाते आए, तो थोड़ी सी उसमें शब्दों को बदलना थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन परेशानी वैसे हमें नहीं होगी। अच्छा, 5 तारीख से जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बाद स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ी एक हमारी मातृभाषा भी है, लेकिन अब तक क्या स्कूलों में छात्र छात्राएं अच्छे से शब्द समझ पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने में तो आसानी हो रही है, बच्चे भी बहुत आसानी से समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, हम उसको बोलते हैं, तो उसको अपनी भाषा में हम समझा दें तो उन्हें बच्चों को और भी बहुत अच्छी तरीके से बात है वो समझ में आ जाती है, शब्दों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। और खासकर जब पढ़ते हैं तो जो हिंदी का उच्चारण है वो थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी छत्तीसगढ़ी उच्चारण में, उनको और बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैं हिंदी में कविता के बहाने ये पद्य पाठ पढ़ा रही हूँ, और बच्चों को इसी का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण करके, छत्तीसगढ़ी रूपांतरण इसी का कर देती हूँ। अनुवाद करके आप बताइए, मतलब कोई विषय को जिसको लेकर के आप पढ़ा रहे हैं, उनको हिंदी का उच्चारण करके छत्तीसगढ़ी में कहें ट्रांसलेट करके आप बताइए, और जो तमाम जो दर्शक अभी इस खबर को देख रहे हैं उनको किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं इसको आप दिखाइए। कविता के बहाने ये पाठ मैं अभी पढ़ा था, और ये कविता के बहाने कवि के कल्पना, कवि हर रचना करते कब रचना करते, जब वो बहुत अधिक कल्पना करते, जितना अधिक कवि कल्पना करती ओकर कविता उतना ही सुंदर बनते। और यही बात ल कवि हर हमन ला लइका मन ला पढ़ाए कथे कविता के बहाने, तो वो हर अनेक प्रकार के बिंब से अनेक प्रकार के शब्द के द्वारा हमन ला लइका मन ला कविता किस तरह से है आप मन समझ सका था, पढ़ सका था, एला अनेक प्रकार के बिंबों के माध्यम से हम लोग बताते। अब कवि हर एक फूल के बहाना कि फूल हर किस तरह से खिलते और कैसे महकते, वो इसने कविता हर हम लोग कैसे भाते और कैसे हम लोग अच्छा लगते ये बारे में बताते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि हर एक फूल और कविता के तुलना कर रहे थे। फूल का होते फूल एक निश्चित समय में फूल जाते, पहले कली रहते जला हमन डोड़ी कथन है ना, ओकर बाद वह खिल जाते तो का कथन वाला फूल कथन। अब फूल खिलते कैसे लगते, ओकर आसपास के वातावरण बहुत सुगंधित हो जाते और देखे में भी सुंदर लगते, तो फूल हर खिलते और कुछ देर तक अपन सुंदरता बिखारते और ओकर बाद क्या होते धीरे धीरे मुरझा जाते। लेकिन कविता क्या है, कभी भी नहीं मुरझाए, कविता क्या है हमेशा ही हमार मन में हमार दिमाग में एक बार बैठ गए हम एक समझ गए तब फिर जिंदगी भर ओला नहीं भूलन। कविता एक ऐसे है जो हमार भाषा है, हमार
बोली ऐसे है जला हमन एक घर समझ गए तहाले ओला कबो नहीं भूलन। तो यहाँ पर कवि हर कविता ला भी वैसने हमन ला समझाते हैं कि कविता कवि हर लिखते और लिख करके हमन कविता ला पढ़थन तो कविता में जो भी भाव है जो भी उमर गुण है उमर रहस्य है छिपे है ये सब भाव ला हमन कविता के माध्यम से समझथन। और कविता हर का है हमेशा मन मस्तिष्क में बैठ गए वही ताजा के ताजा अर्थात हमर जीवन पर्यंत हमर मन मस्तिष्क में समाये रहते। तो कवि कहते कि फूल तो एक समय खिलते कुछ समय तक ताजा रहते और बाद मुरझा जाते। किस प्रकार से कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा है। आप छत्तीसगढ़ी वर्ड आज पढ़ाया जा रहा है मातृभाषा है छत्तीसगढ़ में रहते हैं कैसे छत्तीसगढ़ी को समझते हैं। अच्छे से समझते। अच्छा अभी जिस प्रकार से अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ी शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं आप? नहीं शुद्ध नहीं बोल पाते। इसको ही लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई लॉन्चिंग की है कि आप बुक भी छत्तीसगढ़ी में छपेगा छत्तीसगढ़ी में आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। अभी कितनी तकलीफ होती है मतलब समझने में कितनी परेशानी होती है? थोड़ा बहुत होता है। छत्तीसगढ़ी वर्ड क्योंकि लिखने और समझने में तो बहुत सारा परेशानी होता है। कुछ आप बताएंगे कि अभी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी वर्ड को आप क्लियरली बोल पाते हैं? हाँ लिखते हैं। तो और कोई आप कैसे पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी को? मातृभाषा है आपकी बोल नहीं पा रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ी नहीं बोले आवा का तोला आते छत्तीसगढ़ी में क्या का नाम है? चांदनी। चांदनी कहाँ ले आता? सूरीनाम। सूरीनाम से। अच्छा का नाम है आप? चांदनी केवर्ती। अच्छा आप कौन सा विषय भी पढ़ाते? हिंदी। अच्छा हिंदी ला उच्चारण करके मैडम बताते हुए कैसे समझत हो? तो कुछ परेशानियां हैं क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार का निर्णय है और पहले बार क्लास लगी है तो कुछ समय लगेगा कि लेकिन छत्तीसगढ़ी वर्ड और छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करना जरूर सीख जाएंगे। आप क्या आपका क्या नाम है? मैं चंद्रानी। क्या पढ़ाते हो? हिंदी। अच्छा समझ बात हुआ? छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करा थे तो कुछ समस्या है और समस्या को धीरे धीरे डिजिटल तरीके से समझेंगे। सर आप ये बताएंगे कि कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे और कितनी छात्र छात्राओं का जो दर्ज संख्या है वो कितनी है? जी हमारे विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवनारायण में 9वीं कक्षा से 12वीं क्लास तक है और 11वीं और 12वीं में तीन तीन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। कॉमर्स के अलग विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के अलग विद्यार्थी हैं और साइंस बायोलॉजी वाले अलग हैं, मैथ्स में भी विद्यार्थी हैं। इस तरह लगभग 450+ विद्यार्थी हमारे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। देखा जा रहा है सर कि छत्तीसगढ़ी वर्ड वैसे मातृभाषा छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं लेकिन आम जो बोली भाषा जिसे कहा जाता है क्या उसको कितनी छात्र छात्राएं कितनी समझ पा रहे हैं? क्योंकि बोलना और लिखने में और पढ़ने में कहीं ना कहीं समझ थोड़ा बहुत समय लगता है। अब इसको जनरली एक पार्ट दे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी एक बुक होगा एक पुस्तक होगा जिसका उच्चारण बच्चे कर पाएंगे। जी वैसे मुख्य रूप से हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम विद्यालय है, यहाँ तीन भाषाएं पढ़ाई जाती है हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस को ये घोषणा किया है कि सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हम विद्यार्थियों को अवगत कराएं। देखिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले और हमारे शासकीय विद्यालय में मूल रूप से गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं और घर में लगातार अपने परिवार के बीच माँ बाप के साथ भाई बहन के साथ छत्तीसगढ़ी बोली का ही उपयोग किया जाता है लेकिन जब से विद्यालय में पढ़ने आते हैं तब से हिंदी मीडियम के द्वारा पढ़ाया जाता है और आज एकाएक हम छत्तीसगढ़ी भाषा से समझा रहे हैं तो वह तो रुचिकर है लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली को पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है। पिछले कई वर्षों से हिंदी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी बोली या छत्तीसगढ़ी भाषा का पाठ दिया गया था
केवल पाठ तक हम सीमित रहते थे और हिंदी माध्यम से हम पढ़ाते थे, लेकिन अब सप्ताह में निश्चित रूप से अपनी मातृबोली मातृभाषा से बच्चों को अवगत करा रहे हैं, रुचिकर है, बच्चे आनंद ले रहे हैं और अच्छे में भी आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो माइक है बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, बच्चे हिंदी से कहीं ज़्यादा छत्तीसगढ़ी को समझते हैं। असर देखा जा रहा है कि तमाम जो भारत के राज्यों में अपनी अपनी भाषा होती है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, लेकिन एक चुनौती भरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ सरकार को एक मॉडल भी पेश करना है कि छत्तीसगढ़ी में कितना बच्चे समझ पा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि कितने लंबे कितने समय में बच्चे क्लियर जो है समझ पाएंगे और लिख पाएंगे अपने भाषा में? देखिए, थोड़ा सा अंतर ये है भाषा और बोली में। भाषा के लिए व्याकरण होता है, लिपिबद्ध किया जाता है। अभी तक छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ही बोली है, हम जब लिखते हैं इसको तो हिंदी शब्दों से लिखा जाता है। जब छत्तीसगढ़ ही भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का शब्द न्यास होगा, छत्तीसगढ़ का अलग व्याकरण होगा, इसके लिए कुछ समय तो लगेगा। जैसे मराठी हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाता है, ठीक, आज छत्तीसगढ़ ही भी हिंदी शब्दों के द्वारा उपयोग किया जाता है, इसका लैंग्वेज या भाषा या बोली अलग है, इसको भाषा बनाने के लिए कुछ समय तो लगेगा और इसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। इससे निश्चित रूप से दो पढ़े लिखे यदि छत्तीसगढ़ के आदमी हैं तो छत्तीसगढ़ ही में नहीं बोलते, लेकिन तेलुगु और तमिल, दो तमिल या तेलुगु आपस में मुलाकात हो गए तो अपनी भाषा से बोलते हैं। इसको विकास करने के लिए हम छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दें, आपस में हम छत्तीसगढ़ी में बोलें, ताकि हमारा यह छत्तीसगढ़ का नाम पूरा भारत देश में रोशन हो। अन्य भाषा जैसा ऊपर उठा है, वैसी छत्तीसगढ़ी भाषा को ऊपर उठाने के लिए सबको एक साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनौती भरा है क्योंकि छत्तीसगढ़ ही लैंग्वेज को अब स्मृति में लाना है और आम जन तक और अन्य राज्यों की जो भाषा है उस तरीके से उनको डेवलपमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास तो कर रही है। अब देखना पड़ेगा कि कितने समय में जो छात्र छात्राएं वो अपनी मूल भाषा अपनी मातृभाषा को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, और जो हिचकिचाहट है जो छत्तीसगढ़ी वर्ड पे बोलने पर उसको कब तक समझ पाते हैं। धनवीर जाहिर, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, सिवरी।